सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया में आज भी ऐसे कई कंपनियां हैं जो 1000 सालों से चल रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में बता रहे हैं। कोंगो गुमी जापान, ये कंपनी पिछले 1400 सालों से बिजनेस कर रही है। जापान की फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी कोंगो गुमी की स्थापना 578 ईडी में हुई थी। तब से लेकर 2006 तक एक ही परिवार की 40 जनरेशन से इस बिजनेस को चलाया। साल 2006 में इस बिजनेस को जापान की एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। जापान के फेमस सुसाका कैसल का कंस्ट्रक्शन करने समेत इस कंपनी ने जापान की कई फेमस इमारतों का निर्माण किया। इसे पिछले 1400 सालों तक कंपनी के फाउंडर के वंशजों के दामादों ने ही चलाया। 2006 में बिकने से पहले कंपनी के पास सैकड़ों एम्प्लॉय थे। इसका सालाना रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। कंपनी अभी भी ओसाका के बैनर तले अपने काम को जारी रखे हुए है। शोर होटल्स सोसाइटी कोलंबस के जमाने से ऑपरेट कर रही है ये कंपनी। जब कोलंबस अमेरिका की खोज करने में जुटा था, उसी दौरान स्कॉटलैंड में शोर होटल्स सोसाइटी कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1498 में स्थापित ये पैकर्स और मूवर्स कंपनी आज भी दुनिया भर में सामान पहुंचाने का काम करती है। आज जहां कंपनीज महज कुछ ही सालों के अंतराल में अपना लोगो और नाम में कोई बदलाव नहीं किया और न ही वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वर्तमान में कंपनी से जुड़े केविन ब्राउन ने एक न्यूज चैनल को बताया कि वैसे तो कंपनी की स्थापना 1100 के करीब हुई थी, लेकिन इससे जुड़ा हमारे पास कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में हमने वही एस्टेब्लिशमेंट डेट 1498 रखी है जो हमारे पास मौजूद है। आज पूरी दुनिया में पैकिंग और मूविंग का काम करती है कंपनी बेरेटा। इस कंपनी को 500 सालों से चला रहा है एक ही परिवार। गन और फायर आर्म्स तैयार करने का काम करने वाली इटली की बेरेटा कंपनी की स्थापना 1526 में हुई थी। 500 से भी ज्यादा सालों से काम कर बेरेटा की शुरुआत तब हुई थी जब वेनिस शहर को आर्क्यूबस तत्कालीन समय की बंदूक के लिए 100 बैरल्स चाहिए थे। जब से कंपनी की शुरुआत हुई है तब से इस कंपनी को एक ही परिवार चला रहा है। साल दर साल इसके हायर मैनेजमेंट में फाउंडर के ही परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। आज इस कंपनी का बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है। 400 साल पहले जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी तो इसे ऐसी जगह बनाया गया जहां लोहे की अच्छी मात्रा मिल जाती है। ऐसे में कंपनी अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से तैयार कर लेती है। आज इस कंपनी का बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है। व्हाइट चैपल बेल बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है। ब्रिटेन की व्हाइट चैपल बेल की स्थापना 1570 में हुई थी। ये कंपनी तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बिजनेस बेल बनाने के काम से जुड़ी है। बेल बनाने वाले यह दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है। कंपनी के बाहर आज भी 1570 में लगाई गई बेल बजाई जाती है। व्हाइट चैपल के मुताबिक उनकी कंपनी के रॉयल विजिटर्स में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V भी शामिल है। ये कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सबसे पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर शामिल हो चुकी है। जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ I का राज था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस कंपनी की स्थापना कोलंबस के अमेरिका की खोज में निकलने से करीब 74 साल पहले हो गई थी। ये कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी सबसे पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर शामिल हो चुकी है। जिल्दीजान सिंबल्स इस कंपनी के इंस्ट्रूमेंट बीटल्स भी खरीदा करते थे। तुर्की की जिल्दीजान सिंबल्स सिंबल सेट और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना 1623 में की गई थी। फेमस बैंड बीटल्स भी जिल्दीजान के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया करते थे। कंपनी का दावा है कि वो सिंबल्स बनाने वाली दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है। तुर्की की सबसे पुरानी कंपनी है ये जिल्दीजान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।